ओके ठीक है फिर, ठीक है मैं डॉक्टर शाह फौजी से रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट। जी। मित्रों अल्लाह लाओ हाँ टेबलेट ऑफ कार्मेल का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये हमारी तीसरी सिटिंग है। इससे पहले जो दो बैठकें हुई थी उसका एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। तो हमारी जो पहली सिटिंग थी वो टैबलेट ऑफ कार्मेल की एक इंट्रोडक्टरी भूमिका थी, और उसमें हमने ये देखा था कि बहाउल्लाह ने सन 1891 1891 में कार्मेल पर्वत पर एलिजा की केव के पास एक टेंट लगाया था, अपना मंडप ताना था, और उसके अंदर अरबी भाषा में टेबलेट ऑफ कार्मेल का अवतरण हुआ था, वो रिवील्ड हुई थी। फिर उसी पहली क्लास के अंदर हमने ये समझा था कि टेबलेट ऑफ कार्मेल, केव ऑफ एलिजा और प्रॉफेट एलिजा या इलियास नबी के बीच में क्या संबंध है, और किस तरीके से टेबलेट ऑफ कार्मेल उस संबंध से अपने आप को जोड़ती है कि जो एलिजा प्रॉफेट हैं उनका पुनरागमन और बहाउल्लाह का पुनरागमन किस तरीके से एक दूसरे के साथ मैच करता है। फिर जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें टेबलेट ऑफ कार्मेल के पहले पैराग्राफ का हमने अध्ययन किया था। उस पहले पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस था उसमें हम ये जान पाए थे कि जो बहाउल्लाह का युग धर्म है इस युग की तीन खास विशेषताएं हैं। पहली तो ये है कि ईश्वर की जो कृपा वर्षा है वो मानव जाति पर बरसी है युगल अवतार के रूप में और बहुत अलग अलग तरीके से भी। दूसरी बात ये थी कि ये धर्म जो है बिल्कुल अनूठा है, और इसके साथ ही मानवता उस रास्ते पे चल निकली है जिससे उसे मटेरियल प्रोग्रेस भी मिली है और उसके आध्यात्मिक उन्नति के संसाधन भी मानव के बीच में आए हैं। तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में हमने पढ़ी थी वो ये थी कि ईश्वर का जो पवित्र सिंहासन है यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस के रूप में, उसका स्थापन कार्मेल पर्वत पर हुआ है, और संविदा की वो डोर जो बहाउल्लाह से चली थी आज भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी हमारे सामने है। आज की जो क्लास है उसमें पहले पैराग्राफ का जो दूसरा सेंटेंस था उसी का हम अध्ययन कर रहे थे, और उसमें कुछ पार्ट तो हमने बता दिया था जिसमें हमने देखा था कि जितनी भी सर्जित वस्तुएं वो और जो कॉन्कोर्स ऑफ हाई हैं यानी जो फरिश्ते या ईश्वर के जो देवदूत हैं वो कार्मेल पर्वत से कह रहे हैं कि जल्दी करो तुम पर ईश्वर का जो प्रकाश है वो पड़ा है, और फिर कार्मेल से ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर उसका पदार्पण हुआ है, ये जो पहली स्लाइड में आप देख रहे हो उसका पदार्पण हुआ है जो नामों के साम्राज्य का सम्राट और आकाशों के रचयिता हैं यानी बहाउल्लाह, यानी नामों के साम्राज्य के सम्राट और आकाशों के रचयिता का पदार्पण यहाँ पे हुआ है यानी कार्मेल पे हुआ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रूलर्स ऑफ द किंगडम ऑफ द नेम्स एंड द फैशनर ऑफ द हेवंस लिफ्टेड अपॉन दी। तो कार्मेल पर जिसका पदार्पण हुआ है बाहुल्ला को यहाँ पे दो उपाधियों से संबोधित किया गया है, एक तो ये कि वो नामों के सम्राट हैं और दूसरा ये कि
कि वो आकाशों के रचयिता हैं। इस हिंदी की पाती में जो ट्रांसलेट किया गया है तो वो आकाशों के रचयिता की जगह स्वर्गों के रचयिता लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन में ये एक कॉमन ओवरलुकिंग है जो हो जाती है। कायदा यह है, तरीका यह है कि जब इंग्लिश के अंदर हेवन या हेवंस में एच स्मॉल हो तो फिर हम जो ट्रांसलेशन है वो आकाश के रूप में करते हैं, और जब एच कैपिटल हो हेवन के अंदर या हेवंस में तब हम उसको स्वर्ग या स्वर्गों का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख रहे हैं कि एच जो है वो स्मॉल है तो वो स्वर्ग का रचयिता नहीं होगा, वो होगा आकाशों का रचयिता। अब हमें ये समझना है इस पहले पैराग्राफ के इस आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटेशन से कि नामों के साम्राज्य का मतलब क्या है और नामों के साम्राज्य के सम्राट बाहुल्ला कैसे हैं। दूसरा ये कि आकाश का मतलब क्या है और बाहुल्ला आकाश के रचयिता कैसे हैं, इसको जो है हमें समझना। तो पहले हम आते हैं नामों के साम्राज्य के बारे में, और इसको समझने के लिए हम दूसरी स्लाइड जो हमारी होगी उसमें हम बाइबल का एक जेनेसिस करके जो उसकी बुक है, पहली बुक बाइबल की, उस जेनेसिस के 27 नंबर की जो वर्स है, जो श्लोक है बाइबल का, उसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नामों का साम्राज्य से क्या तात्पर्य निकाला जाता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो जेनेसिस की 27 नंबर की इस वर्स के अंदर किया कहा गया है, पहले चैप्टर में ही है, यहाँ पे कहा गया कि तब ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है। सो द गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी जो मनुष्य है उसको ईश्वर का प्रतिरूप, उसकी प्रतिमूर्ति बनाया गया। अब प्रतिमूर्ति बनाए जाने से ये कदापि मतलब नहीं है कि हमारी तरह भी ईश्वर की दो आंखें, दो कान, दो हाथ हैं, ये कदापि मतलब नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये है बाइबल की इस आयात का, इस श्लोक का, कि ईश्वर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ईश्वर के जो गुण हैं, वो गुण मनुष्य को भी दिए गए हैं। तो उन गुणों को लेके मनुष्य इस धरती पर आया है और उसका काम इस धरती पर रहकर इन गुणों का विकास करना, इसी को हम बोलते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी प्रतिमूर्ति बनाया, अपनी इमेज के अंदर बनाया, क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो ये इसका मतलब है। अब इस जो 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 नाम हैं वो नाम हमें कैसे गलत फहमी में डाल देते हैं और कैसे हम नाम के साम्राज्य के अंदर उलझ जाते हैं, इसके लिए पहले तो हम ये स्लाइड हमारी आ जाए तीसरे नंबर की, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो नामों का साम्राज्य है वो हमारे लिए एक माया जाल बन जाता है और हम उसके जो है गुलाम बन के रह जाते हैं। वी आर द बॉन्ड स्लेव्स ऑफ द किंगडम ऑफ नेम। अब कैसे बॉन्ड स्लेव्स बन के रह जाते हैं? देखिए, ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं। इस्लामिक मान्यता को लें तो उसके 99 नेम्स हैं और सभी उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। कुरान की एक वर्स है, उसके अंदर ये कहा गया है, और हर नाम उसके एक एट्रीब्यूट को, उसके एक गुण को दर्शाता है। से उदाहरण के लिए ईश्वर उदार है, जेनरस है, तो ये जो जेनरोसिटी का गुण है ये मनुष्य के अंदर भी पाया जाता है। मनुष्य भी, कई मनुष्य हम में से ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा है, पर कुछ में बहुत ज्यादा है, कुछ और उसको बहुत ज्यादा विकसित भी कर सकते हैं, कर भी लेते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेनरस हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, पर उसके साथ वो चाहते हैं कि इससे, उनके दान पुण्य करने से ये गुण जो उनके अंदर है उसका बहुत सारा प्रचार हो, लोग बाग उनको जाने,
कि ये जो व्यक्ति है बहुत बड़ा दानी है, बहुत सखी है, बहुत जेनरस है, ये उसको जो है लोग जानने लगे। अगर इस तरीके से लोग उसकी पहचान कर लेते हैं, उसका फोटो पेपरों में छप जाता है, उसकी वाहवाही होती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो खुशी से फूल जाता। लेकिन उसके विपरीत उसकी जेनरसिटी का कोई समझता नहीं है, उसका कोई रिस्पांस नहीं देता, उसको कोई नोटिस नहीं लेता, तो फिर वो उससे दुखी हो जाता। तो जब अपने किसी गुण से कोई व्यक्ति खुश होता है या कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कि वो नामों के साम्राज्य का गुलाम बन गया। तो उस तरीके से देखा जाए तो मनुष्य जो है वो नामों के साम्राज्य का एक गुलाम है, और इस गुलामी से बचने के लिए जो नामों के साम्राज्य के सम्राट हैं, यानी युग अवतार बहाउल्ला नामों के साम्राज्य के सम्राट, वो हमें इस गुलामी से निकलने का तरीका क्या बताते हैं। तो जो अदीब ताहिर जादे हैं, उन्होंने कोट किया है बहाउल्ला की संविदा से एक कोटेशन, जिसको हम चौथे नंबर की स्लाइड के अंदर देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम नामों के साम्राज्य के इस माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द सोल ऑफ द मैन मेड टू बी एडॉर्न्ड, द सोल ऑफ द मैन नीड्स टू बी एडॉर्न्ड विद द वर्चूज ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड सेल्फ एफेसमेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ द नेम्स। यानी मनुष्य की आत्मा को विनम्रता और आत्मविनाश के गुण से सुशोभित करने की आवश्यकता है, ताकि नामों के साम्राज्य से अनासक्त हो सके। प्रॉब्लम यह होती है, जो आपको एक एग्जाम्पल दिया उदारता का, जेनरोसिटी का, कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को जेनरस समझने लगता तो उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि ये जेनरोसिटी उसका गुण है, ये उसके अंदर आया है क्योंकि उसने इसको पढ़ रखा है, इसको समझ लिया है, इस पे वो चलता है, तो ये उसका अपना गुण है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो गुण था वो उसका अपना नहीं है, उसका बीज ईश्वर ने उसके हृदय के अंदर डाला है और फिर उसको समझ दी है कि इस बीज को जो है वो विकसित कर। तो जेनरसिटी अपने आप में गुण तो है ईश्वर का, मनुष्य उसको विकसित करता है, कुछ लोग विकसित नहीं भी कर पाते। तो जो विकसित कर लेता है, अगर वो ये समझने लगे कि जिस जेनरसिटी को मैंने डेवलप कर लिया अपने अंदर और मैं एक जेनरस आदमी बन गया, तो ये उसकी गलती है। वो गुण उसने डेवलप किया जरूर है, लेकिन उसका जो बीज था वो ईश्वर की तरफ से उसमें आया। तो अगर हम इस बात को समझ लें कि जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी अच्छे हमारे गुण हैं, वो सब हम ये मान लें कि ये हमारी अपनी उपलब्धि नहीं है, ये हमें ईश्वर की तरफ से दिया गया वरदान है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो ना तो हम जेनरस होने में कोई प्राउड फील करेंगे, ना किसी और अच्छे गुण के अंदर जो हम में है उससे हम में कोई घमंड पैदा होगा। तो बहाउल्लाह ये तरीका बताते हैं कि हमें डेवलप करना चाहिए अपने अंदर ह्यूमिलिटी को, डेवलप करना चाहिए विनम्रता को, और विनम्रता के साथ ये स्वीकार करना चाहिए कि जो गुण हम में आया है ये ईश्वर की कृपा स्वरूप आया है, ये उसका वरदान है, हमारी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। तो इसीलिए जो बहाउल्लाह हैं वो नामों के सम्राट हैं, और वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से, नामों का सम्राट हमें कह रहा है कि किस तरीके से हम किंगडम ऑफ नेम के इस जाल से निकलकर बाहर आ सकते हैं। अब इसके बाद फिर इस कथन का दूसरा पार्ट ये था कि बहाउल्लाह को कहा गया है कि वो आकाशों के रचयिता हैं। तो आकाशों के रचयिता का क्या मतलब? तो पहले हम ये समझें कि आकाश का अर्थ क्या होता है। तो जब भी राइटिंग के अंदर ये आकाश शब्द आया या हेवन शब्द आया,
तो इसका मतलब क्या होता है, इसे बहाउल्लाह किताब यकान के पैरा नंबर 45 के अंदर हमें समझाते हैं। वो कहते हैं बाय हेवंस इज मीन्ट द हेवन ऑफ डिवाइन रिवेलेशन विच इज एलिवेटेड विद एवरी मैनिफेस्टेशन, यानी आकाश का अर्थ है दिव्य धर्म प्रकाशन का आकाश जो प्रत्येक अवतार के साथ उदित होता है, यानी जो भी धर्म है उस धर्म को बहाउल्लाह आकाश से संज्ञा देते हैं। आकाश का अर्थ दूसरे शब्दों में राइटिंग के अनुसार वो धर्म से मतलब है। तो आकाश जब भी शब्द आता है तो उसका मतलब धर्म, और विशेष रूप से धर्म जब उदित होता है, जब एक नया धर्म आता है स्थापित होता है तो उसे संज्ञा दी जाती है इस धर्म प्रकाशन को कि आकाश से, और जो उसमें जो प्रॉफिट आते हैं तो उसको सूर्य से संज्ञा दी जाती है। तो ये सब हम जानते हैं, किताबे यकान के अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है। जब बहाउल्लाह बाइबल की जो मैथ्यू की एक वर्स है उसको एक्सप्लेन करते हुए हमें ये सारी चीजों के अर्थ बताते हैं। तो आकाश का अर्थ क्या हुआ, धर्म से मतलब है। तो ईश्वर का जो धर्म है वो ईश्वर का आकाश है। अब ये जो आकाश है, इस आकाश के अंदर कुरान शरीफ की एक वर्स है जिसको हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। इसके अंदर कहा गया है 6 नंबर की स्लाइड के अंदर कि व्हेन द हेवन शैल बी क्लोवन एसंडर, यानी जब आकाश विदीर्ण किया जाएगा, यानी जब आकाश फट जाएगा, आकाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो ये कुरान शरीफ की जो आयत आई है वो उसके चैप्टर 82 की पहली आयत है, और ये कुरान शरीफ के अंदर कयामत के आने की, रिजरेक्शन के आने की, पुनरुत्थान के आने की एक निशानी के रूप में दिया गया, और उसमें कहा गया है कि जो आकाश है उस समय फट जाएगा। तो यहाँ पे आकाश से फटने का मतलब क्या है, तो जो जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से कुछ हैं जो अपने आप को स्कॉलर्स भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो आकाश है हमारे चारों तरफ दिखने वाला आकाश, ये फट जाएगा। अब हम जानते हैं आज के युग में कि आकाश है क्या, स्पेस है, इसके अंदर भरा हुआ, कोई इसके चरण नहीं है, कोई धरती जैसा इसमें कोई बसावट नहीं है। तो जो आकाश है वो तो एक स्पेस है, इसके फटने से ये मतलब नहीं है। कुरान शरीफ हमें यह बताना चाहता है कि जब रिजरेक्शन का टाइम आएगा, कयामत का टाइम आएगा, पुनरुत्थान का टाइम आएगा, तो जो धर्म का आकाश है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो फट जाएगा। आज हम हर धर्म के अंदर यही बात देख रहे हैं। कौन सा ऐसा धर्म है आप बता दीजिए सोच के कि जिसके अंदर फ्रैक्शन ना हुआ हो, जो फिरकों में ना बढ़ गया हो, जिनमें अनेक समुदाय ना बन गए हो। हर धर्म के अंदर ये समुदाय बन गए हैं और आपस में वो लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। तो ये है एक्चुअल मतलब आकाश के फट जाने का, उसके क्लेफ्ट हो जाने का। तो ये कुरान शरीफ के चैप्टर 82 की पहली आयत है। तो यहाँ फिर ये कंफर्म होता है कुरान शरीफ में भी या बहाई राइटिंग में भी कि जब भी आकाश शब्द आता है तो उसका तात्पर्य वो धर्म से होता है। अब अगले उसमें हम देखेंगे कि बहाउल्लाह जो है वो आकाशों के रचयिता कैसे, इसको हम समझेंगे। जो हमारी अगली स्लाइड है इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इसमें आकाशों के रचयिता बहाउल्लाह, एक बहाउल्लाह ने एक बात कही थी, उसमें आप फरमाते हैं कि हाँ, बहाउल्लाह कह रहे हाँ हम ही वो हैं जिसने अवतारों को भेजा है। अब देखिए जो जो ईश्वर का धर्म आता है, अगर आप कुरान शरीफ के जो 40 नंबर का चैप्टर है उसकी एक आयत है 7 नंबर की, उसमें देखिए युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइल अल अर्ध,
के अनेक जो ईश्वर है वो आकाश से धरती पर अपने धर्म को अवतरित करता है। तो ये धर्म का रचयिता कौन है? ईश्वर है। और यहाँ बहाउल्लाह क्या कह रहे हैं कि हाँ हम ही हैं वो जिसने अवतारों को भेजा। अब ये कहाँ पे ये सेंटेंस उन्होंने कहा था, इसके लिए एक कहानी है। और ये कहानी अगर आप देखना चाहें तो एक बुक है बहाउल्लाह एंड सम नोटेबल बिलीवर्स, काइजर बांस की यह बुक है। हिंदी में भी इसका अनुवाद हो चुका है, तो इसमें आप इस कहानी का को देख सकते। तो इसमें यह कहा गया है, कहानी को जो सुनाने वाले थे वो आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही महान बाई स्कॉलर हैं अबुल फजल गुलपेगानी, तो उन्हीं के ही ये रिश्तेदार थे, उसी फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनका नाम था मेहदी गुलपेगानी। तो जो मेहदी गुलपेगानी थे ये कई लोगों को, खासकर जो इश्क आबाद में रहने वाले बहाई थे उनको ये कहानी सुनाया करते थे। वो ये कहते थे कि अक्का के अंदर एक व्यक्ति थे जो नए नए बहाई बने थे। उनको ये तो समझ में आ गया था कि जो बहाउल्लाह हैं वो इस समय के युग अवतार हैं। वो ये भी समझ गए थे कि कयामत का अर्थ क्या होता है। ये भी उनको मालूम था कि जो बहाउल्लाह हैं वो जीसस क्राइस्ट की वापसी हैं। तो जो फंडामेंटल चीजें थी वो तो उनकी समझ में आ गई थी। एक चीज उनकी समझ में नहीं आ रही थी, और जो चीज उनकी समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि बहाउल्लाह ने अपनी राइटिंग में कहा है कि हम आकाशों के रचयिता हैं, जैसे कि टेबलेट ऑफ कार्मेल के अंदर उनको एक उपाधि दी गई, तो हम आकाशों के रचयिता हैं। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। तो एक बार वो कुछ लोगों के बीच में बैठे हुए थे ये व्यक्ति जो नए नए भाई बने थे, तो बहाउल्लाह उन लोगों के बीच में आए और आने के बाद इनके कंधे पे हाथ रखा, इन नए भाई पे उनके कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा कि हाँ हम ही वो हैं जिसने अवतारों को भेजा है। तो यो उनके दिल में जो शंका थी, तो बहाउल्लाह कहते हैं कि हम ही वो हैं जिन्होंने अवतारों को भेजा है। और कार्मेल की पाती के अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में बहाउल्लाह को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वो आकाश के रचयिता हैं। तो इस तरीके से हमने दो शब्दों का अर्थ समझ लिया कि एक तो आकाश का अर्थ क्या होता है और दूसरा नामों के साम्राज्य का अर्थ क्या होता है, और बहाउल्लाह क्यों नामों के साम्राज्य के सम्राट कहलाते हैं, या क्यों उन्हें हम आकाशों के रचयिता के नाम से जानते हैं। आई होप आपको जो है ये पॉइंट, ये बातें जो है समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम टैबलेट ऑफ कार्मेल का जो दूसरा पैराग्राफ है उस दूसरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और फिर उसमें से कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट को, कुछ बातों को हम समझ पाए। तो वो हमारी अगली स्लाइड है जो यहाँ पे आ गई स्क्रीन पे, नंबर 8 की। इसमें लिखा है आनंद वेल कार्मल का स्वर कुछ इस प्रकार से गूंजा। आनंद वेल कार्मल का स्वर कुछ इस प्रकार से गूंजा, मेरा जीवन तेरे लिए बलिदान हो जाए, तूने मेरी ओर निहारा है, अपनी कृपा मुझ पर बरसाई है और अपने पग मेरी ओर बढ़ाए। ये कार्मेल बहाउल्लाह को संबोधित करते हुए कह रहा है। पहले तो कार्मेल को किसने संबोधित किया था? सर्जित वस्तुओं ने और देवदूतों ने। अब कार्मेल बहाउल्लाह को संबोधित करते हुए कह रहा है कि आनंद वेल कार्मल जो आनंद से भर गया, वो इस तरीके से कह रहा है कि मेरा जीवन यानी कार्मेल का जीवन तेरे लिए यानी बहाउल्लाह के लिए बलिदान हो जाए, तूने मेरी ओर निहारा है, बहाउल्लाह ने उसकी तरफ देखा, अपना प्रकाश डाला उस पे, अपनी कृपा मुझ पे बरसाई है और अपना पग मेरी ओर बढ़ाए हैं। तो इसको जो है अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं।
पहली बात तो ये है कि अदीब ताहरजादा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहाँ वो कारमेल की पाती को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी जो बुक है रिवॉल्यूशन ऑफ बहाउल्लाह वॉल्यूम 4, तो उसके अंदर उन्होंने इसको समझाया। तो पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, हमारी अगली स्लाइड के अंदर है, स्लाइड नंबर 9 के अंदर। इस पे सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैन लाइफलेस ऑब्जेक्ट लिसन एंड एक्सप्रेस, कैन लाइफलेस ऑब्जेक्ट लिसन एंड एक्सप्रेस, क्या बेजान चीजें सुन और व्यक्त कर सकते हैं? यानी संवाद किससे हो रहा है? कारमेल के साथ कुछ लोग संवाद कर रहे हैं, जिसमें ईश्वर के देवदूत भी हैं, साजित वस्तुएं भी हैं, और फिर कारमेल बाहुल्लाह से संवाद कर रहा। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि ये जो लाइफलेस चीजें जिसको हम समझते हैं, क्या वो संवाद कर सकती हैं? तो अदीब ताहिरजादे इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक जो मनुष्य है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? सब्जेक्ट तो फिजिक्स का है, साइंस का है। छोड़िए उस डिटेल को, बस इतना भर जानिए कि जो इलेक्ट्रिक तरंगे हैं, जब चुंबकीय तरंगों के संपर्क में आती हैं, तो फिर ये ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, जिसमें माइक्रोवेव्स वगैरह भी होती हैं। तो ये माइक्रोवेव्स चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं, और इसी वेव्स के थ्रू जब हम अपने मोबाइल पे कुछ बोलते हैं या अपने हाथ पांव हिलाते हैं, तो वो सारी एक्शन, वो हमारे बोल आप दूर बैठे हुए भी सुन पाते। तो ऐसी चीज जिसको हम देख भी नहीं पाते, लेकिन हमारी हर हरकत पे, हमारे हर बोल पर तरंगित हो जाती, उसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये हर चीज के अंदर हो सकते हैं, हर सर्जित चीज के अंदर। इसी बात को बहाउल्लाह ने अपने राइटिंग में इस तरीके से कहा है। अगली स्लाइड के अंदर बाहुल्ला हमें क्या समझाते हैं? बाहुल्ला हमें कहते हैं कि धरती के अणु यानी एटम्स ऑफ द अर्थ, सागर की बूंदें ड्रॉप ऑफ द सी, वृक्ष यानी जो दरख्त हैं वो, ट्रीज और चट्टाने, सब अवतरण की ताकत से परिकंपित हो जाते हैं। तो यानी ये सारी चीजें जिसको हम समझते हैं कि इनमें कोई जान नहीं होती, जब ईश्वर का अवतरण आता है या ईश्वर का अवतार जब बोलता है, तो उसकी वाणी से ये सब जो है वाइब्रेट करने लगते हैं, इसमें परिकंपन हो जाता है। जैसे हम जैसे मामूली बोलने वालों की वाणी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तरंगे आ जाती हैं, ईश्वरीय अवतार की वाणी से इन सारी चीजों के अंदर भी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो कारमेल अगर संबोधित करता है, तो वो एक रहस्यमय भाषा भी है जो हम और आप नहीं समझ सकते, पर ईश्वर के अवतार उसको जानता है और उसको वो समझ पाता। इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम अगली स्लाइड के अंदर एक और कहानी लेंगे, जिससे थोड़ा सा आप इसके अभिप्राय को समझ सकें। अक्का के अंदर एक रिजवान बाग है। एक तो वो रिजवान बाग था बगदाद में, जहां बाहुल्ला ने डिक्लेयर किया था, ये वो बाग नहीं है, दूसरा बाग है, वो अक्का के अंदर है रिजवान बाग। इस रिजवान बाग के अंदर एक चौड़े कंधों वाला, एक बहुत मजबूत काठी का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे जो माली का काम करते थे। उनका नाम था आका अबुल कासिम। तो वो माली का काम करते थे। अब एक बार अक्का में जो लोकस्ट हैं, टिड्डियां, आप जानते हो टिड्डियां लाखों की संख्या के अंदर आती हैं, और इतना बड़ा ग्रुप उनका रहता है कि वो सूरज के प्रकाश को भी छुपा लेती, ऐसा लगता है जैसे बादल सामने आ गया। तो
तो इन टिड्डियों ने इस रिजवान गार्डन पे आके अटैक किया और उन पेड़ों पे ये आके उतर गई जिनकी छाया में बहाउल्लाह कभी आके बैठा करते। तो ये टिड्डियां वहां पे आके उतर गई और वो पत्तियों को खाने लगी। अब ये जो आका अबुल कासिम थे जो इस रिजवान बाग की बड़ी मेहनत से देख रेख करते थे, वो कोने पे बने हुए बहाउल्लाह के निवास की तरफ आए और बहाउल्लाह से रिक्वेस्ट किया कि कृपया आप जाइए और इस टिड्डियों के आक्रमण से बचाइए। तो पहले तो बहाउल्लाह ने उसको उत्तर दिया कि अबुल कासिम, टिड्डियों का भी अपना भोजन है तो क्या हर्ज है, उनको इन पेड़ों की पत्तियां खा लेने दो। तो अबुल कासिम जो ये जवाब सुन के उदास से फिर वापस चले गए, फिर देखा कि बड़ी तेजी से ये तो पत्तियों को खाए जा रही हैं, पेड़ को तो पूरा सुखा देंगी, सारी पत्तियां खत्म हो जाएगी, बहाउल्लाह को छांव कैसे मिले। तो दुखी दिल से एक बार फिर बहाउल्लाह की तरफ आए और बहाउल्लाह से कहा कि प्रभु कृपा कीजिए, बहाउल्लाह आप चलिए और इन टिड्डियों को यहां से निकालिए। तो जब उन्होंने देखा कि अबुल कासिम बहुत दुखी हैं, तो बहाउल्लाह अपने निवास से निकले, उन पेड़ों के नीचे आई और अपने परिधान का एक छोर उठा के और उसको थोड़ा सा हिलाया और बोला कि टिड्डियों, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम किसी और जगह पे चली जाओ। बस इतना भर कहना था बहाउल्लाह का कि सारी टिड्डियां, पूरा के पूरा ग्रुप उन वृक्षों से निकलकर दूसरी जगह के लिए उड़ान भरने लग गया। तो क्या आप इससे समझते हो कि कैसे टिड्डियां ईश्वरीय अवतार की वाणी को जानती हैं और जो वो कहता है कैसे वो उसको मान लेती हैं? जब ऐसे छोटे जंतु और ऐसी नॉन लिविंग चीज जिसको हम नॉन लिविंग समझते हैं, धरती के एटम्स सब परिकंपित हो जाते हैं, तो क्या हमारे हृदय इतने कठोर हो चुके हैं कि हमारे हृदय में ऐसे तरंगित नहीं होते? बाइबिल का एक बहुत सुंदर सा सेंटेंस है, उसमें कहा गया है, बस खत्म कर, बाइबिल का एक बहुत बहुत सुंदर सा सेंटेंस है, बाइबिल का बहुत सुंदर सा सेंटेंस, उसमें कहा गया कि अगर अपने हृदय को कठोर न करो तो मोक्ष का समय अभी और इसी समय है। तो हमारे दिल की सॉइल नरम होना चाहिए, जहां ईश्वर के जो